हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्नैप इन्फो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंजल वन डीमैट अकाउंट के बारे में, जहां पर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू कर सकते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि इस एप्लीकेशन पे ना ही कोई आपको अकाउंट ओपनिंग फ़ी पे करना पड़ता है, ना ही आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर में कोई AMC पे करनी होती है। यानी कि आप यहाँ पर फ्री में अकाउंट ओपन करके अपनी शेयर मार्केट की जर्नी शुरू कर सकते हो। और साथ ही आप इस एप्लीकेशन के अंदर रेफरल प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करके, इस एप्लीकेशन को रेफर करके पर रेफरल 1000 रुपीज़ अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे एंजल वन पे कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, कैसे इस एप्लीकेशन को रेफर करना है, कैसे आपकी अर्निंग होगी, कैसे आप ट्रेडिंग करोगे, आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, कैसे इस एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे रेफर करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, एंजल वन पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आपको एंजल वन पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसके लिए आप कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। FNO में, करेंसी में, कमोडिटी में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है। तो आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना होगा, मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, नीचे आपको अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना होगा। सिटी सेलेक्ट करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, एंटर OTP पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एंटर OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव होगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको OTP को एंटर करना होगा और सिंपली आपको यहाँ पे ओपन डीमैट अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा। देन आपको यहाँ पे कुछ इस तरह स्पेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा, आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा और नीचे आपको अपनी email ID एंटर करनी होगी। email ID एंटर करने के बाद से आपके mail ID पे एक वेरिफिकेशन का मेल आएगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ से आपको स्पेस को मिनिमाइज करके आपको अपने फ़ोन में जीमेल को ओपन कर लेना होगा। जीमेल को ओपन करने के बाद से यहाँ पर आपको एंजल वन की ओर से एक मेल रिसीव होगा, आपको सिंपली इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, वेरीफाई माई ईमेल पे क्लिक कर देना होगा। वेरीफाई माई ईमेल पे ऐसा क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे जो ईमेल है वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल को वेरीफाई करने के बाद से आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर पे बैक आना होगा। बैक आने के बाद से नीचे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, आपको अपना IFSC कोड एंटर करना होगा। देन आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे 1 रुपीज़ क्रेडिट किया जाएगा। तो आपको सिंपली थोड़ी देर वेट कर लेना होगा। देन आपको कुछ इस तरह स्पेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग विथ DigiLocker और एंटर डिटेल मैनुअली। तो अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन चूज करना होगा, जो कि यहाँ पे इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग DigiLocker वाला है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो जो डॉक्यूमेंट होगा आपका ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगी। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करना होगा और CRA और KYC डिटेल पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। देन आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव होगा, आपको सिंपली यहाँ पे OTP एंटर करना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको अपना 6 डिजिट का कोई सा भी पिन एंटर करना होगा। देन आपको यहाँ पे परमिशन को अलाउ कर देना होगा। परमिशन को अलाउ करने के बाद से यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल में आपको अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी होगी। एनुअल इनकम सेलेक्ट करने के बाद से आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, उसे सेलेक्ट करना होगा। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर आपको अपना फादर नेम एंटर करना होगा, फादर नेम का फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या ITR अपलोड करना होगा। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे पैन कार्ड की फोटो अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक करना होगा, फाइल सेलेक्ट करना होगा या कैमरा सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको फोटो क्लिक कर लेना होगा या सेलेक्ट कर लेना होगा। फोटो सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस फॉलो करके सिग्नेचर को भी सेव कर लेना होगा, अपलोड कर देना होगा। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, इस बॉक्स को चेक करना होगा और प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पे NSDL के पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, इस बॉक्स को चेक करना होगा, नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद से आपको सिंपली सेंड OTP पे क्लिक कर देना होगा। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद से आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव होगा, आपको सिंपली यहाँ पे OTP एंटर करके OTP वेरीफाई कर लेना होगा।
OTP वेरीफाई करने के बाद से आपको सिंपली थोड़ी देर वेट करना होगा। देन आपको यहाँ पर कुछ इस तरह स्पेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको एक 10 सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्लीट करनी होगी। देन आपका जो है अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर 10 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करके उसे अपलोड करके सबमिट कर देंगे, देन आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज देखने को मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था यहाँ पर एंजलवन पे डीमैट अकाउंट को ओपन करने का। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इस तरह से आप यहाँ पे एंजलवन पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, 24 आवर्स से लेकर 48 आवर तक वेट करना होगा। देन जो आपका अकाउंट होगा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और इसका कन्फर्मेशन आपके मेल आईडी पे मोबाइल नंबर पे रिसीव हो जाएगा। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना होगा, सर्च बार में जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा एंजलवन। एंजलवन सर्च करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, जो एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए आपको सिंपली करना क्या होगा, ओपन पे क्लिक कर देना होगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना होगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद से जिस भी मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे अकाउंट बनाए हैं सिंपली आपको उस मोबाइल नंबर को एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव होगा, आपको सिंपली उस OTP को यहाँ पे एंटर करना होगा। OTP एंटर करने के बाद से यहाँ पर आपको अपना 4-digit का पिन एंटर करना होगा, पिन क्रिएट करना होगा। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अकाउंट को लॉगिन कर रहे हैं तो देन आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही रेफरल का एक पॉपअप देखने को मिलेगा, आपको सिंपली करना क्या होगा, क्रॉस करके रिमूव कर देना होगा। अभी जो एंजलवन का एप्लीकेशन है यहाँ पर अपडेट हो चुका है, चेंज हो चुका है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर एंजलवन एप्लीकेशन का जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद से एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर होम पेज पर निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट के बारे में ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा, आपकी पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगी कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना आपका प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसी पेज पे आपको यहाँ पे IPO के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रिवॉर्ड एंड ऑफर का और रेफर फ्रेंड एंड अर्न का। तो अगर आप यहाँ पर रिवॉर्ड एंड ऑफर पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपको रिवॉर्ड और ऑफर एंजलवन की ओर से देखने को मिल रहा होगा सारी चीज़ आपको यहाँ पर रिवॉर्ड वाले सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एंजलवन पर कितने सारे अर्निंग करी है, कितने सारे हमें कूपन मिले हैं। तो इस तरह से आप हमें रिवॉर्ड वाले सेक्शन को चेक कर सकते हो। बात करें इस एप्लीकेशन पे अकाउंट ओपन करने के बाद से कैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कैसे ट्रेडिंग करोगे, कैसे रेफर करोगे, तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, अकाउंट पे क्लिक करना होगा। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको अपने डीमैट अकाउंट के अंदर सिंपली फंड ऐड कर लेना होगा। आप यहाँ पे मिनिमम 100 रुपीज़ ऐड करके भी अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, अमाउंट एंटर करना होगा UPI में। आप यहाँ पे गूगल पे फोन पे कोई सा भी UPI एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो जिसके थ्रू आपको यहाँ पे फंड को ऐड करना है। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, जो बैंक अकाउंट है आपको यहाँ पे एंजलवन पे लिंक है सेम बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको पेमेंट को कंफर्म कर देना होगा। फंड ऐड करने के बाद से आपके डीमैट के अंदर हमें फंड अवेलेबल शो होने लग जाएगा। देन अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, वॉचलिस्ट पे क्लिक करना होगा, सर्च बार में जाना होगा और यहाँ से आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आइडिया सर्च कर लिया, आइडिया सर्च करेंगे यहाँ पर आपको आइडिया का स्टॉक देखने को मिलेगा। इसे बाय करना बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली करना क्या होगा, इसके ऊपर क्लिक करना होगा, बाय पे क्लिक करना होगा। बाय पे क्लिक करने के बाद से ऊपर आपको यहाँ पे इंट्राडे डिलीवरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप किसी स्टॉक को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आप डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टॉक को यहाँ पर डिलीवरी के अंदर बाय करना चाहता हूँ तो सिंपली मैंने यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कर ली है। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, क्वांटिटी एंटर करना होगा। तो यहाँ जो आइडिया के स्टॉक की प्राइस है 7 रुपये है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 शेयर बाय करूँगा तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 35 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी कि 35 रुपये खर्च करके मेरी फर्स्ट ट्रेडिंग की जो जर्नी है शुरू हो जाएगी। तो आप भी इस तरह से अपना फर्स्ट ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो, यानी कि अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हो। क्वांटिटी एंटर करने के बाद से यहाँ पर आपको प्राइस सेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हो, मार्केट सेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ मार्केट सेट करोगे तो जो भी प्राइस होगा मार्केट में उस रेट पे जो आपका ऑर्डर होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली मार्केट सेलेक्ट कर लूँगा। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको बाय पे क्लिक कर देना होगा, कंफर्म पे क्लिक कर देना होगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद से जो आपका ऑर्डर होगा यहाँ पर प्लेस हो जाएगा और उसकी पोजीशन आपको यहाँ पर ओपन ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन पर अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बात करें इस एप्लीकेशन को आपको कैसे रेफर करोगे, कैसे आपकी अर्निंग होगी, तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, होम पे क्लिक करना होगा। देन आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रेफर योर फ्रेंड एंड अर्न, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा।
जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि अभी के टाइम में आप पर रेफरल 1000 रुपीज़ अर्न कर सकते हो, यानी कि एक एक रेफरल पे आपको 1000 रुपीज़ के वाउचर मिलने वाला है जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हो रियल मनी में। और आपको यहाँ पर वाउचर को कैसे रिडीम करना है इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था यहाँ पे एंजेलोन पे डीमैट अकाउंट को ओपन करने का, इस एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का और इस एप्लीकेशन को रेफर करके पर रेफरल 1000 रुपीज़ अर्न करने का। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इस रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम मिलते हैं कैसे वीडियो साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।